Welcome to all in our YouTube channel. Now we learn about introduction to computer. It is our first lesson. This video made for fourth standard. So everyone know that what is computer, how to work it, which different types of work a computer can do. Everyone know that very well. But in short, हम यहाँ पर देखने वाले हैं how to work computer. How to work computer? A computer work कैसे करता है? How to work it? First of all, computer can take input. Input क्या means? Input means जो भी कुछ हम उसको information देते हैं. Which information you give? Which data you give to computer? जो भी कुछ data हम data means raw material. Which input? Which instruction you give to computer is called a input. वो कैसे आप देते हैं? Suppose you want to type some numbers, you want to type some letters. So which devices are you using? Keyboard and mouse. It is a primary devices. क्या करते हैं आप? Keyboard से, mouse से, जो भी कुछ आपको data, instruction computer को देने होते हैं, input करने होते हैं, in this input devices are you using to give input. आप सभी को समझ में आ गया ना? What is the input? Input means to give input, to enter instruction data to the computer, into the computer is called the input. After that, जो भी आप उसको data provide करते हो, उसके उस पर जो भी process होती है, उसे क्या कहते हैं? Processing कहते हैं. Processing means to work done by the computer. जो भी कुछ आप work computer को देते हैं, जो भी work वो computer करता है, अगर आपने addition का कुछ example दिया, 2+2 कंप्यूटर में इनपुट किया यूजिंग कीबोर्ड, तो उसके ऊपर प्रोसेसिंग होनी जरूरी है ना, उसके ऊपर कैलकुलेशन एडिशन होनी जरूरी है ना. वो कौन करता है? सीपीयू बॉक्स में वो सब कुछ एडिशन होती है, वो कैलकुलेशन होती है. उसे क्या कहता है, कहा जाता है प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग मीन्स द वर्क डन बाय द कंप्यूटर. जो भी कुछ द प्रोसेस गिवन बाय द इनपुट, जो भी कुछ इनपुट ने दी है, जो भी कुछ वर्क दिया है, वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग कौन करता है? सीपीयू करता है. तो इट इज सीपीयू डिवाइस, इट इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस. सीपीयू को क्या कहा जाता है? इट इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. क्या है सीपीयू का फुल फॉर्म? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. मैं जो आपको अभी बता रही हूँ, फुल फॉर्म से बता रही हूँ, जो भी कुछ मैं आपको रिपीट करने के वर्ड्स बोल रही हूँ, आपको क्या करना है, वीडियो देखते देखते ही उन्हीं वर्ड्स आपको भी मेरे साथ बोलने हैं. तब तो आपको जल्दी से आप उसको लर्न कर पाओगे, अपने दिमाग में रख पाओगे. तो सीपीयू को क्या कहा जाता है? इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. हमारा ब्रेन कैसे इंपॉर्टेंट होता है? वो जो भी कुछ हम इंस्ट्रक्शन वगैरह, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ उसके ऊपर मैनेज और कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है ना. सेम लाइक दिस सीपीयू भी वही काम करता है. तो सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. देन उससे जो भी कुछ वर्क किया गया, जो भी कुछ प्रोसेस की गई है, जो भी कुछ हमने इनपुट दिया इसके ऊपर, जो भी कुछ प्रोसेस की जाती है, तो उसका भी कुछ रिजल्ट आना चाहिए ना. वो रिजल्ट कहाँ पर आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिस्प्ले ऑन मॉनिटर. कहाँ पर दिखाई देता है? सबसे पहले वो रिजल्ट मॉनिटर पर दिखाई देता है. तो जो भी कुछ हमें आउटपुट मिलता है, आउटपुट मीन्स यू गेट यू ऑब्टेन रिजल्ट. आउटपुट मीन्स जो भी कुछ आपको रिजल्ट मिलता है, जो भी कुछ आपको रिजल्ट डिस्प्ले होता है, आउटपुट डिस्प्ले होता है, वो कहाँ पर दिखाई देता है? सबसे पहले ऑन मॉनिटर. मॉनिटर पर आपको वो रिजल्ट सबसे पहले दिखाई देता है. तो मॉनिटर एंड इज अ आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस हाँ कौन सा है? प्रिंटर. मॉनिटर पर आपको जो भी कुछ स्क्रीन दिखाई देती है, वो डिस्प्ले होती है, वो क्या होती है? सॉफ्ट कॉपी होती है. आप जो भी कुछ रिजल्ट आपको दिखाई देता है, वो आपको खाली वो दिखाई देता है, उसकी आपको सॉफ्ट कॉपी दिखाई देती है. इफ यू वॉन्ट टू गेट हार्ड कॉपी, अगर आपको उसको प्रिंट आउट चाहिए, तो विच डिवाइस इज यूज? प्रिंटर इज यूज. प्रिंटर इज यूज टू गेट हार्ड कॉपी. सो आउटपुट मीन्स टू गेट रिजल्ट, टू ऑब्टेन रिजल्ट. जो भी प्रोसेसिंग होने के बाद आपको जो भी रिजल्ट मिलता है, वो कहाँ पर मिलता है? आउटपुट मिलता है. और वो किसके थ्रू मिलता है? आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू मिलता है. आफ्टर दैट वी लर्न अबाउट आवर सेकेंड पॉइंट, कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम के भी कुछ पार्ट्स होते हैं. उसके लिए यहाँ पर दो पार्ट्स किए गए हैं. वो कौन से पार्ट्स हैं? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. सबसे पहले हम हार्डवेयर के बारे में देखेंगे. हार्डवेयर मीन्स ऑल द टचेबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड द हार्डवेयर. हमने लास्ट ईयर में सीखा.
क्या है, व्हाट इज अ हार्डवेयर, ऑल द टचेबल पार्ट, विच पार्ट यू कैन सी यू कैन टच आर कॉल्ड अ हार्डवेयर. जिस पार्ट्स को आप टच करते हो उसे क्या कहते हैं, जो आंखों से दिखाई देते हैं, जो कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और जो सीपीयू के इनसाइड में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं. सो हार्डवेयर कौन से ऐसे होते हैं, जनरली कौन से आपको दिखाई देते हैं, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर, हेडफोन, माइक्रोफोन, प्लॉटर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, इट इज द एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर. ये सभी क्या हार्डवेयर के एग्जांपल्स है. हार्डवेयर के जो भी एग्जांपल्स है, तो आप हार्डवेयर के बारे में समझ में आ गया. और फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड द हार्डवेयर, जो भी पार्ट्स हमें आंखों से दिखाई देते हैं, जिसे हम टच करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं. इन हार्डवेयर को भी फोर कैटेगरीज में, फोर टाइप्स में डिवाइड किया है. एंड दीज आर इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस. ये हार्डवेयर के फोर कैटेगरीज पॉइंट है. यहाँ पर मैंने सॉफ्टवेयर भी लिखा है, सॉफ्टवेयर भी उसमें डीपली हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में सॉफ्टवेयर के बारे में भी बता देती हूँ. व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर में यू कैन टच एंड सी आर कॉल्ड अ हार्डवेयर. सो सॉफ्टवेयर में यू कैनॉट टच आर कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर, जिसको टच नहीं कर सकते हो उसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं. जिन पार्ट को आप टच नहीं कर सकते हो उसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं. यू कैनॉट टच आर कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर. तो ऐसे कौन से पार्ट है जिसको हम टच नहीं करते हैं, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. अगर आपको गेम खेलना है कंप्यूटर में, यू वॉन्ट टू प्ले गेम ऑन योर कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह, इट मे बी आपको क्या करना है, अगर गेम खेलना है तो कुछ सॉफ्टवेयर इज यूज्ड गेम. आपको कौन सा गेम है, क्या करते हैं आप उसके लिए, गेम का सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर लैपटॉप पर डाउनलोड करते हो ना, तो गेम आप खेल सकते हो. तो वो गेम जो आपको डिस्प्ले होती है, जो आप खेलते हो गेम, इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर. लेकिन उसके लिए क्या रिक्वायर होता है, कीबोर्ड माउस की जरूरत होती है ना. आपने खाली गेम का सॉफ्टवेयर लिया तो वो रन होती है क्या, नहीं. यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस यू कैन एंड जॉयस्टिक यू कैन प्ले योर गेम. तो क्या हो गया, ए गेम इज एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम. ये गेम जो प्रोग्राम है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर, एंड कीबोर्ड एंड माउस इज एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर. तो सभी को ये समझ में आ गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. सो हार्डवेयर मीन्स ऑल द टचेबल पार्ट्स, एंड सॉफ्टवेयर मीन्स नॉन टचेबल पार्ट्स. उसको भी टेंजेबल, जो ऑल टेंजेबल पार्ट्स आर कॉल्ड द हार्डवेयर, अनटेंजेबल पार्ट्स आर कॉल्ड द सॉफ्टवेयर. अब यहाँ पर सभी को सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में समझ में आ गया होगा. तो सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल के लिए मैंने एक गेम का एग्जाम्पल दिया है. वैसे और एक एग्जाम्पल देती हूँ, यूजिंग इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ पिक्चर, विच प्रोग्राम इज यूज टू ड्रॉ पिक्चर, टेल मी समवन. ओके, अगर ऐसा मैं आपको पूछती हूँ, आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमें टीचर ने कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बताया था जिसमें हम पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं. एमएस पेंट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फॉर यूज ड्रॉइंग पिक्चर्स. किस लिए यूज किया जाता है, एमएस पेंट फॉर ड्रॉइंग पिक्चर्स. मतलब जो आपको मैं बोलती हूँ कि ड्रॉ सम पिक्चर्स यूजिंग पेंट प्रोग्राम, सो इट इज अ पेंट प्रोग्राम इज अ सॉफ्टवेयर. एंड विच इज अ हार्डवेयर इज यूज फॉर ड्रॉ पिक्चर्स, सिंपल है, माउस. माउस के साथ माउस को यूज करके आप क्या करते हो, कोई पिक्चर ड्रॉ करते हो. सो पेंट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड यूजिंग माउस इज अ हार्डवेयर. ओके, एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज अ हार्डवेयर. ओके, तो अब हम आपको यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में समझ में आ गया होगा. तो आपको अब मैं हार्डवेयर के बारे में थोड़ा सा डीप में बताने वाली हूँ. सो हार्डवेयर के जो भी फोर टाइप्स है वो कौन से है, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस. सो फर्स्ट है इनपुट डिवाइसेस. तो जो भी इनपुट मीन्स टू एंटर डेटा टू गिव इंस्ट्रक्शन टू इन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट. एंड विच डिवाइसेस आर यूज्ड टू गिव इनपुट, दैट डिवाइसेस आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. तो इनपुट डिवाइसेस ऐसे कौन से है जो इनपुट करती है, जो भी कुछ आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो भी कुछ आपके डेटा होता है, जो भी कुछ आप देते हो कंप्यूटर को, वो इनपुट डिवाइसेस कौन से है. जनरली हम पहले दो ही यूज करते हैं, कीबोर्ड एंड माउस. उसके अलावा भी है जॉयस्टिक, देन लाइट पेन,
microphone and scanner. Joystick is used for playing games. Light pen is used to touch screen. आप screen पर touch करने के लिए which device is used? Light pen. Then microphone. What is the use of microphone? If you want to record your voice speech, अगर मुझे मेरा जो video चल रहा है वो मुझे record करना है तो उसके लिए आपके device में क्या होना चाहिए? माइक्रोफोन होना चाहिए. माइक्रोफोन से क्या होता है, यू कैन रिकॉर्ड योर वॉइस, यू कैन रिकॉर्ड योर म्यूजिक, यू कैन रिकॉर्ड योर स्पीच, जो भी किसी भी प्रकार का एनी टाइप ऑफ साउंड यू वांट टू रिकॉर्ड इट, विच डिवाइस इज यूज्ड? माइक्रोफोन इज यूज्ड टू रिकॉर्ड योर वॉइस. इफ यू वांट टू गिव योर साउंड कंप्यूटर, विच डिवाइस इज यूज्ड? माइक्रोफोन इज यूज्ड. Then after that, if you want to scan, if you want to put your image, photos, computer, which device is used? Scanner. Scanner is used to capture your image and give to computer. वो क्या करता है, आपकी जो भी इमेज होती है, फोटो होती है, वो स्कैनर के यूज से आप क्या करते हो, कंप्यूटर को देते हो. So these are input devices. Next, processing device. कौन सा है प्रोसेसिंग डिवाइस? सीपीयू. यहाँ पर प्रोसेसिंग में आपको मैंने यहाँ पर डिक में बताया था, जो भी कुछ डेटा हम कंप्यूटर पे देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होनी जरूरी है ना, वो कौन सा डिवाइस करता है? सीपीयू करता है. एवरीवन नो दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, मैंने पहले बताया है. एवरीवन लर्न इट प्रॉपरली विद करेक्ट स्पेलिंग. देन ये प्रोसेसिंग डिवाइस में जो भी कुछ कैलकुलेशन वगैरह होता है, ये सब कुछ कहाँ पर होता है? इन प्रोसेसिंग डिवाइस में होता है. प्रोसेसिंग डिवाइस में ही सीपीयू में ही और भी पार्ट्स होते हैं, एएलयू मीन्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन. ये सीपीयू में क्या होता है? कैलकुलेशन होता है. और किस टाइप का होता है? वो अरिथमेटिक और लॉजिकल टाइप्स के ऑपरेशन भी वहां पर किए जाते हैं. उसके साथ ही एमयू का फुल फॉर्म क्या है? मेमोरी यूनिट. मेमोरी यूनिट में क्या किया जाता है? जो भी कुछ डेटा, जो भी कुछ इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में सेव की जाती है, वो सब कुछ वहां पर क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है. तो एमयू में मेमोरी यूनिट में क्या होता है? यहाँ स्टोरेज डिवाइस में देखने ही वाले हैं, जो भी कुछ है वो सब कुछ वहां पर स्टोर किया जाता है. ओके, देन थर्ड टाइप इज आउटपुट डिवाइसेस. ये सब कुछ होने के बाद इफ यू वॉन्ट टू गेट रिजल्ट, इफ यू वॉन्ट टू गेट आउटपुट, विच डिवाइसेस आर यूज्ड टू गेट आउटपुट? फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर वर्क डन बाय द प्रोसेसिंग डिवाइस, यू वॉन्ट टू गेट रिजल्ट यूजिंग मॉनिटर. मॉनिटर पर सबसे पहले आपको जो भी कुछ है वो रिजल्ट डिस्प्ले होता है. सो मॉनिटर, एंड आफ्टर दैट इफ यू वॉन्ट टू प्रिंट आउट, देन प्रिंटर इज यूज्ड. माइक्रोफोन इज यूज्ड टू रिकॉर्ड योर वॉइस. इफ यू वॉन्ट टू लिसन योर वॉइस, व्हाट टू डू फॉर दैट? इफ यू वॉन्ट टू लिसन योर वॉइस, विच डिवाइस इज यूज्ड? हेडफोन एंड स्पीकर. एवरी वन अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोफोन एंड स्पीकर. माइक्रोफोन इज यूज्ड टू रिकॉर्ड योर साउंड एंड स्पीकर इज यूज्ड टू लिसन म्यूजिक, टू लिसन साउंड, टू लिसन एनी टाइप ऑफ साउंड एंड एनी टाइप ऑफ स्पीच. आप सभी को ये डिफरेंस समझ में आना ही चाहिए. इसमें आप कंफ्यूजन करते हो, मैंने देखा है. जब भी मैं आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देती हूँ, जब मैं पढ़ाती हूँ तो सभी को मालूम होता है कि व्हाट इज द माइक्रोफोन, व्हाट इज द स्पीकर, व्हाट इज द हेडफोन. लेकिन जब भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तभी आप मिस्टेक करते हो, क्योंकि वो एक लिमिट के बाद. इसे आपको पहले ही समझ में आना चाहिए. माइक्रोफोन इज यूज्ड टू रिकॉर्ड साउंड एंड स्पीकर एंड हेडफोन आर यूज्ड टू लिसन म्यूजिक. अगर आपको जो लिसन करना है, सुनना है, विच डिवाइस इज यूज्ड? स्पीकर एंड हेडफोन. ओके, हाँ सर, बहुत समझ में आ गया होगा माइक्रोफोन एंड स्पीकर एंड हेडफोन का डिफरेंस. देन आफ्टर दैट प्रोजेक्टर. इफ यू वॉन्ट टू सी योर वीडियोज, योर इमेजेस. हमारे लाइब्रेरी में प्रोजेक्टर है, सभी को मालूम है. यू कैन सी दीज वीडियोज, इमेजेस, पिक्चर्स ऑन फुल स्क्रीन. आपको वो क्या कहा जाए, लार्ज स्क्रीन में सब कुछ, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर पर, आपको मॉनिटर पर स्मॉल साइज में आते हैं. लेकिन प्रोजेक्टर पर क्या आता है, एक बड़े वाले स्क्रीन पर जो भी कुछ मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है, वही प्रोजेक्टर के यूज से आपको वहां पर डिस्प्ले होता है. तो प्रोजेक्टर में आपको क्या होता है, यूज इन लार्ज स्क्रीन, यू कैन सी वीडियोज, इमेजेस, फोटोज, वट एवर इट मे बी. ओके, देन प्लॉटर. प्लॉटर इज यूज्ड टू गेट लार्ज प्रिंटआउट. अब प्रिंटर से हम क्या करते हैं, A4 साइज के पोर्ट्रेट, लैंडस्केप के साइज के ही, लीगल साइज के पेपर पर ही आप जो भी कुछ प्रिंटआउट से वो निकाल सकते हैं. फॉर यूजिंग प्लॉटर यू कैन गेट लार्ज प्रिंटआउट. आप उसमें बड़े बड़े वाले
प्रिंट ऑफ निकाल सकते हैं। प्लॉटर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो बड़े बड़े आपको बैनर लगाने होते हैं, तो विच डिवाइस इज यूज द प्लॉटर इज यूज द फॉर दैट। सो एवरीवन अंडरस्टूड द आउटपुट डिवाइसेज। देन स्टोरेज डिवाइसेज। स्टोरेज डिवाइसेज मीन्स व्हाट इज द स्टोरेज डिवाइसेज। स्टोरेज डिवाइसेज मीन्स इफ यू वॉन्ट टू स्टोर योर इन्फॉर्मेशन, दैट डिवाइसेज आर यूज्ड टू स्टोर योर इन्फॉर्मेशन आर कॉल्ड द स्टोरेज डिवाइसेज। ऐसे कुछ कुछ डिवाइसेज है जिसमें आपको आपका डेटा इन्फॉर्मेशन जो भी कुछ आपको वहां पर स्टोर करनी होती है वो आप स्टोरेज डिवाइसेज के थ्रू से स्टोर कर सकते हो। ओके ऐसे कौन से स्टोरेज डिवाइसेज है, तो मेमोरी में प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप की मेमोरी होती है, उसमें रोम रैम एंड रोम टाइप की भी मेमोरी होती है। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद ये प्राइमरी टाइप की मेमोरी हो गई। और सेकेंडरी टाइप की मेमोरी में क्या होता है, जो भी कुछ हार्ड डिस्क सीडी डीवीडीज क्लाउड के थ्रू जो क्लाउड स्टोरेज डिवाइसेज सीडी के बिट दो तीन टाइप होते हैं, डिजिटल सीडी डीवीडीज वो भी ब्लू रे सीडीज ये सभी किसमें आते हैं, स्टोरेज डिवाइसेज में आते हैं। अगर इसमें से अगर आपको कोई समझ में नहीं आ गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। पेन ड्राइव भी है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज का ही, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज का ही एग्जांपल है। ओके अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो। इसके रिलेटेड जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने राइट डाउन की है, जो भी मैं आपको इसके बाद में पीडीएफ भेजने वाली हूँ, आप सभी को वो पीडीएफ रीड करनी है, और जो भी मैं आपको वर्क देने वाली हूँ वो आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है। अगर आपको इसके बारे में कोई डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।